ये टेंट वेंट हम लोगों ने लगा दिए हैं, वो सामने दरख्तों के बीच लग गए हैं। और अभी थोड़ा सा सैर सपाटा के लिए निकले बाहर, बहुत खूबसूरत है इस टाइम। तो लोग दूसरी तरफ भी गए हुए हैं माशाल्लाह। और ये देखे ऊपर चोटी, बेहतरीन। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, मैं हूँ इस टाइम कुमराट में और नाइट कैंपिंग के बाद सुबह जल्दी जा गया हूँ, नमाज से फारिग हुआ हूँ और सोचा कि आबशार की तरफ हुआ हूँ क्योंकि रश बढ़ जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। तो चल रहे हैं आबशार की तरफ। तो ये है जी इर्द गिर्द का खूबसूरत मंज़र कुमराट का, काफ़ी घना जंगल है इधर भी इधर भी। तो सामने है वो खूबसूरत आबशार जिसके लिए हम लोग यहाँ आए। इधर भी माशाल्लाह देखिए कितनी खूबसूरत चोटी, अभी सूरज निकल रहा है तो बर्फ जो पड़ी है वो चमक रही है, अमेजिंग। इस तरफ भी माशाल्लाह। तो ये देखें बेहतरीन, थोड़ी सी चढ़ाइयाँ हैं अभी तो काफी जोर लग रहा है। जिंदा ट्राउट मछली दस्याब है, वाह। क्या बात है, अमेजिंग। ओ ऊपर से आ रही है, ब्यूटीफुल। मैंने फैसला किया है कि इस खूबसूरत आबशार को ऊपर जाकर देखा जाए, तो मैं यहाँ से ऊपर जाऊँगा। और भी लोग गए हुए हैं तो मैं भी जाऊँगा इंशाल्लाह। तो चलते हैं जी ऊपर। तो ये है रास्ता ऊपर आने का। ओफ, यहाँ से व्यू चेक करें आप, सो ब्यूटीफुल। आगे अभी और जाऊँगा। ये जी टॉप से व्यू, इंतहाई खूबसूरत, अमेजिंग। और अभी मुझे और आगे ऊपर जाऊंगा इंशाल्लाह, थोड़ा सा सांस ले लूं। ना कहो है अब काफी ऊंचाई है।
आबशार देखने के बाद मैं वापस जा रहा हूँ अपने टेंट में। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, पराठे शराठे बनने शुरू हो गए जी। वो जी अपने टेंट सामने। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। अभी हम लोग जो है वो कुमराट से जा रहे हैं जी काला चश्मा। रास्ते में ये इंतहाई खूबसूरत जगह आई है, देखिए कितनी बेहतरीन। और इस टाइम हल्की सी बारिश भी हो रही है तो मौसम बड़ा खुशगवार है। लेकिन आप देखें कि ये जो खूबसूरती है, इट्स अमेजिंग। मेरे साथ मेरे दोस्त हैं मोहम्मद सेल भाई, तो हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। खूबसूरती चेक करें आप, अमेजिंग, आई लव इट। जहाँ इतने खूबसूरत नज़ारे हैं वहाँ इस तरह के मुश्किल रास्ते भी हैं भाई, तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए बंदे के अंदर। ये देखें जी, इस जंगल के अंदर ये एक पता नहीं क्या चीज़ लगा हुआ है, फल है। इस तरह का पौधा है इसका। और ये तो चेक करें जी, खूबसूरती अमेजिंग। इतना खूबसूरत इलाका है लेकिन उतना ही दुश्वार रास्ता है। यकीनन खूबसूरती इसकी इसी वजह से बरकरार है कि रास्ता दुश्वार है। अगर ज़्यादा लोगों की एक्सेस हो जाएगी तो ये बहुत ख़राब हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं जी अपना सफ़र आगे, और हमें जाना है जी काला चश्मा, तो बढ़ रहे हैं जी। ये हमारे साथी जा रहे थे, इनका बाइक का हवा कम है तो हम इनकी हेल्प करने लगे हैं। पंप भी जो है मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने लगा हूँ। तो यहाँ से आप इसका प्रेशर पहले सेट कर लें, ये 30 जी। तो अब इसको आप कर लें जैसे इसका प्रेशर पूरा होगा ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अच्छा, अब 28 को ऑन हो चुकी है, अब 29 किधर से आ रहे हो? हम कराची से आ रहे हैं। ओह हो, बहुत दूर से। ओह कितना दिन हो गया? ना बड़ी मेहरबानी। कितना दिन हो गया आपको? हमें चौथा पांचवा दिन। ठीक है, अभी यहाँ ट्रैफिक जैम हो गया है। काला चश्मा पीछे रह गया, हमें बिल्कुल पता भी नहीं चला उसका। तो अभी मुझे एक गाड़ी वाले ने बताया कि आप दो जंगा जा रहे हैं, तो रास्ते में मैंने थोड़ा सा रुका हूँ और देखें कि किस कदर खूबसूरत है।
मैं मौजूद हूँ इस टाइम काला चश्मा से थोड़ा सा आगे, और ये जगह देखकर मेरा आगे जाने को दिल नहीं कर रहा, दिल कर रहा है यहीं रुक जाऊँ। इंतहाई खूबसूरत जगह है और ब्यूटीफुल अमेजिंग, और इसी तरह और देखते जाएं आप कितनी खूबसूरत जगह है ये, अमेजिंग, आई हैव नेवर सीन बिफोर। मैंने बहुत ट्रैवल किया है लेकिन इतनी खूबसूरत जगह मैंने कम देखी है। और मैं मौजूद हूँ अपनी बाइक के साथ, अमेजिंग। मैं हूँ इस टाइम काला चश्मा पर, यहाँ कोई काला चश्मा वगैरह तो नहीं है, बस पानी है बह रहा है और नीचे से चुके पत्थर काले रंग के हैं, तो इसी वजह से जो है वो काला नज़र आता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं। तो खूबसूरत जगह है नो डाउट, देखिए आप माशाल्लाह बेहतरीन। अभी मैंने यहाँ खाने का ऑर्डर किया है, तो खाना खाते हैं, नमाज़ पढ़ेंगे और फिर वापस घुराट जाएंगे। भैया ने क्या मैकेनिज्म बनाया, हमारी चिप बन रही है, तेज़ तो ये पकड़ाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, ये दो दोस्त यहाँ मिले मुझे, तो मुझे बोल रहे हैं कि भाई हमने आपको पहले कहीं देखा है, तो ज़रूर देखा होगा, मैं भी ऐसे घूमता रहता हूँ। तो दोस्त क्या नाम है आपका? सदीक। सदीक भाई, और आपका? हज़रतुल्ला। तो आप दोनों कहाँ से हैं? कुहाड़ से। ये पेशावर से? गर्मी वाले इलाके से। कुहाड़ भी गर्मी है। तो कैसा मज़ा एंजॉय कर रहे हैं आप इधर? तो कब से आप इधर? हम तकरीबन 3-4 दिन गए हैं। अच्छा, आप दो जंगा गए हैं आगे? नहीं, इधर ही हो यार। उस हम कल मोटरसाइकिल पे गए थे आगे थोड़ा सा। अच्छा, बड़ा खूबसूरत है, बहुत माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, मैं फिर से मौजूद हूँ आप शहर पर। आज शायद हमारा आज आखिरी दिन हो यहाँ पर, और पिछले दो दिन से हम लोग यहाँ कुमराट में, और अभी रात बारिश हुआ था तो टेंट हमारे गीले हैं, तो इस वजह से हमने कहा थोड़ा सा टाइम दिए ताकि टेंट वेंट सूख जाए, फिर इंशाल्लाह देखते हैं